देखिए आज हम लोग जो है मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और मोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि मोल है क्या। देखिए मोल कंसेप्ट को हिंदी में मोल संकल्पना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोल संकल्पना कहा जाता है। मोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? विलहेम ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। विलहेम ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने ग्रीक शब्द है मोल जिसका सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, मोल शब्द का अर्थ क्या होता है? मोल शब्द का अर्थ होता है ढेर, जैसे कि कूड़ा का ढेर होता है, इस तरीके से संख्याओं का ढेर। संख्याओं का ढेर को हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। यानी एक सुलभ भाषा में संख्याओं के ढेर को क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम एन जीरो या फिर एन ए से सूचित किया जाता है। मोल को एन जीरो या फिर एन ए से सूचित किया जाता है। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि एक मोल का मान क्या होगा। तो एक मोल का मान 6.022 × 10²³ अनुपरमाणु या आयन होगा। ठीक है, इसका मान ये होगा। इसको जो 6.022 × 10²³ है, इसको अवोगाड्रो संख्या या फिर अवोगाड्रो स्थिरांक कहा जाता है। सही है, ये जो है सबसे पहले रसायनज्ञ के लिए जो है मापने की इकाई क्या थी? मोल थी। रसायनज्ञ के लिए जो गणना की इकाई थी वह क्या थी? मोल थी। और एक मोल का आयतन में कितना मान होता है? तो 22.4 लीटर होता है। एक मोल के आयतन में कितना मान होता है? 22.4 लीटर होता है। फिर से एक बार समझिए, मोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो विलहेम ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। मोल शब्द का अर्थ क्या होता है? संख्याओं का ढेर। यानी जैसे मान लीजिए कि आप केला खरीदने चले गए, बनाना खरीदने गए, तो वहाँ पर आप क्या कहते हैं कि एक दर्जन केला दीजिए। ऐसा नहीं कहते हैं कि 12 केला दीजिए। उसको सुलभ भाषा में हम क्या कहते हैं? एक दर्जन केला दीजिए। वो बात अलग है कि कहीं कहीं पर किलो में भी बिकता है। जैसे आप साउथ इंडिया जाएंगे, जब मैं तमिलनाडु में था तो वहाँ जब सुबह सुबह मैं बनाना खरीदने के लिए जाता था, वहाँ पर तो किलो में बिकता था। वजन करके दिया जाता था कि आधा किलो या फिर 1 किलो, इस तरीके से बिकता था। वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो साइंटिफिक रूप से है वो क्या है? मोल है। यानी संख्याओं का ढेर को, जो इतना बड़ा संख्या आपको दिख रहा है, इस संख्या का ढेर है, इसको हम क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। इसको सुलभ भाषा में हम क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। 6.022 × 10²³ को हम सुलभ भाषा में क्या कहते हैं? तो मोल कहते हैं। समझ गए, जो 6.022 × 10²³ है उसको हम अवोगाड्रो स्थिरांक या फिर अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, और मोल को जो है हम एन जीरो या फिर एन ए से सूचित करते हैं। समझ गए यहाँ तक। रासायनिक के लिए गणना की इकाई क्या थी? मोल थी। और अब चलिए कि मोल की संख्या निकालने के लिए जब आपसे दिया जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए मोल की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला है जो सबसे इजी है और बहुत बार पूछा गया है, ओनली बहुत बार ये रिपीटेड है क्वेश्चन। मोल की संख्या निकालने के लिए सिंपल सा ये पूछा जाता है कि बताइए क्या होगा। तो मोल की संख्या जब भी दिया रहेगा तो उसमें कोई ना कोई द्रव्यमान आपका दिया रहेगा, किसी न किसी का द्रव्यमान दिया रहेगा। तो मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान या फिर सूत्र इकाई द्रव्यमान। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि मोल दिया रहेगा और द्रव्यमान बताना है। ठीक है, और एक और है जिसमें मान लीजिए कि दे दिया कि CO2 के 0.3 ग्राम में अणु या परमाणु या आयन की संख्या कितनी है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें तीन टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और तीनों टाइप को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मोल शब्द किसने दिया सबसे पहले? विलहेम ओस्टवाल्ड ने दिया। मोल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संख्याओं का ढेर होता है। जैसे संख्या का ढेर है उसको मोल शब्द है। मोल को हम एन जीरो या फिर एन ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो है रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? मोल है। एक मोल का मान आयतन में कितना होता है? 22.4 यानी 22.4 लीटर होता है। और एक मोल का जो संख्यात्मक मान क्या होता है? 6.022 × 10²³ अनुपरमाणु या आयन होता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर आगे हम जो है इसके सवालों पर भरते हैं और सबसे पहले हम इस पर भरेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आगे हम इसके क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और तीनों जो दो तीन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हम तीनों में दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके लाए हैं। इससे आपका जो है पूरा
क्वेश्चन बन जाएगा, और जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा गया आप सभी बनाएंगे, आपसे सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूँ इससे पहले, जो अभी जो मैंने बोर्ड पर जो इसको साफ़ किया है, इससे पहले जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था वो टोटल जो जितना भी लिखा हुआ था वो सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एक भी फालतू का क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा था मैंने, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और या फिर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। जो आपका पहला क्वेश्चन है मोल निकालने वाला, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे कहा जा रहा है कि हीलियम के 54 ग्राम में, ठीक है, हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं। ठीक है, हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है। देखिए तो हीलियम का द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है, हीलियम का जो है द्रव्यमान आपको, हीलियम का द्रव्यमान यानी, चलो हिंदी में ही लिख देता हूँ, द्रव्यमान आपका कितना दे रखा है, 54 ग्राम दे रखा है। ठीक है, 54 ग्राम में आपसे पूछा जा रहा है कि मोल की संख्या क्या होगी। तो आपको अभी मैंने बताया है पीछे कि मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सिंपल है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है कि दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान या फिर सूत्र इकाई द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या सूत्र इकाई द्रव्यमान, एक ही चीज़ें होती है। ठीक है, तो दिया गया द्रव्यमान, देखिए हीलियम का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, 4 होगा, परमाणु संख्या क्या है, 2 है, इसका मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो दिया गया द्रव्यमान आपका कितना है, 54 ग्राम दिया हुआ है, और मोलर द्रव्यमान कितना हो गया हीलियम का, 4 हो गया। अब 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में घटेगा, यानी 4 × 4 = 12 और 4 × 5 = 20, यानी 13.5 आ गया। देखिए 13.5 मोल आपको किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, 13.5 मोल आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये एकदम इजी से इजी, जितना आप कह सकते हैं वो ये इजी है, और हर मतलब रिपीटेड में भी कमी नहीं है इसका, मतलब खूब पूछा है, समझ सकते हैं, ये बहुत बार पूछा गया, और ये पहला टाइप है आपका, इस पर आप टाइप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको हम टाइप 1 लिख सकते हैं इस पर, इसका 3 क्वेश्चन है, ये तीनों अभी करवाते हैं। पहला आप लोग समझ गए होंगे, जितना दिया रहेगा द्रव्यमान, और जिसका कहेगा, हीलियम के कहे, ऑक्सीजन का कहे, सल्फर का कहे, किसी का भी कहे, उसका मोलर द्रव्यमान निकालिए और उससे भाग दे दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप पर आपको सामने दिख रहा है, इसमें कह रहा है कि CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो CO2 के 88 ग्राम में किसका कह रहा है, CO2 का 88 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 88 ग्राम आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालिए। तो देखिए कार्बन का क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या होता है 6 × 6 = 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 × 8 = 16 हो गया, और O2 लगा है तो 2 से आप गुना कर दीजिए, यानी कितना हो गया, 12 + 32, यानी आपका कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी CO2 का मोलर द्रव्यमान क्या आ गया, 44 आ गया। तो मोल निकालने के लिए आपको मैंने अभी क्या बताया, फॉर्मूला मोल निकालने के लिए बताया कि दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, यानी दिया गया द्रव्यमान कितना है, 88 है, बट्टा मोलर द्रव्यमान आपका कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, तो 44 × 88 हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा, 2 मोल। देखिए किस में दे रखा है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सबसे पहले इसका मोलर द्रव्यमान निकालिए, जिसका भी H2SO4 भी दिया रहेगा, बहुत सारे H2SO4 पर भी पूछा गया सवाल कि H2SO4 के 65 ग्राम 75 ग्राम जितना ग्राम दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका आप मोलर द्रव्यमान निकालिए और सीधा भाग करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा सवाल है आज का, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या बताइए। देखिए हीलियम में कितना, हीलियम का कितना कह रहा है, कितना ग्राम है, 60 ग्राम कह रहा है। ठीक है, हीलियम का कितना ग्राम है, 60 ग्राम है, तो सबसे पहले हीलियम का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, हीलियम का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, यहाँ पर हीलियम का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा आपका कितना, 4 हो जाएगा, और मोलों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, यानी मोलों की संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान कितना है, 60, और बट्टा मोलर द्रव्यमान कितना है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, यानी 60 / 4, 4 से काटेंगे कितना मोल लगेगा, 15 बार में, यानी मोल का मान क्या हो गया, 15 मोल हो गया। ठीक है, 15 मोल आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका 15 मोल दिया हुआ है, तो 15 मोल आपका जो है राइट आंसर हो गया, ये आपका टाइप 1 हो गया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इसको आसानी से कर लेंगे, हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको कहीं और डाउट होगा, और डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के नीचे में भी पूछ सकें, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। ठीक है, आगे अगले टाइप पर बढ़ते हैं।
देखिए मोल का जो टाइप टू है इसमें आपका पहला क्वेश्चन सामने दिख रहा है, कह रहा है कि ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि O2 के 0.3 है ना, 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, 0.3 मोल का द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले O2 का क्या करना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है, 8 होती है, और 8 दुनी क्या हो जाएगा इसका 16 हो जाएगा द्रव्यमान, और गुणे 2 यानी क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि 0.3 मोल में आपको बताना है, तो आपको क्या करना है कि 32 यहाँ पर मोलर द्रव्यमान निकाल करके जितना कहेगा उतना से क्या करना है, सीधा सीधी गुना कर देना है। बस इतना याद रखिए कि जितना आपका कहेगा जितना मोल, ए 0.3 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, 5000 रहे, मतलब नहीं है, आपको जितना दिया रहेगा आप सीधा इसका मोलर द्रव्यमान निकाल करके बस इसको गुना कर दीजिएगा। ये पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर 32 है और गुना 0.3 कर दीजिए। ठीक है, यानी 32 दिया क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव है तो दे दीजिए, यानी 9.6 आपका राइट आंसर होगा, जो कि 9.6 ग्राम किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो द्रव्यमान का मान क्या हो जाएगा, 9.6 ग्राम आपका क्या निकल गया, ये द्रव्यमान निकल गया। ठीक है, ये आप बस सिंपल सा याद रखिए कि जितना भी कहेगा सीधा मोलर द्रव्यमान निकाल करके गुना कर देना है। बस यही तीन टाइप पूछा जाता है और तीनों अभी आपको बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका जो दूसरा सवाल है उसमें कह रहा है कि CO2 का, यानी CO2 का सामने दिख रहा है आपको, कह रहा है कि CO2 का 10 मोल्स का द्रव्यमान क्या होगा, CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान जो है क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं CO2 का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, यानी कार्बन का क्या हो गया, यानी 6 × 12 हो गया, प्लस आपका यानी 16 × क्या हो गया, 32, 8 × 16 और 16 × 32 हो गया, यानी कितना हो गया, 44 हो गया। ठीक है, और कितना में कह रहा है, 10 में कह रहा है ना, तो आप गुना कर दीजिए इसको, 44 × 10 मोल यानी क्या हो जाएगा, 440 ग्राम आपका राइट आंसर होगा द्रव्यमान, जो कि 440 ग्राम आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो तीसरा सवाल है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें कह रहा है आपसे कि CH4 का 0.1 मोल, 0.1 मोल का द्रव्यमान क्या होगा, CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए CH4 का अनुभार क्या होगा, कार्बन का क्या हो जाएगा, 6 × 12 हो जाएगा, प्लस यानी हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 × 1 × 4 यानी 1 × 4 यानी टोटल कितना हो गया आपका, 16 हो गया। ठीक है, और 0.1 मोल का कहा जा रहा है, तो 16 × 0.1 कर दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 आ जाएगा, 1.6 ग्राम राइट आंसर होगा, जो कि किस में दे रखा है, 1.6 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, 1.6 ग्राम। तो ये तीन क्वेश्चन था टाइप टू का, इसको मैंने बता दिया, और अगले टाइप पे बढ़ते हैं। देखिए टाइप थ्री का जो पहला सवाल है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होंगे, यानी पोटेशियम क्लोराइड के 0.5 मोल में कितने अणु होंगे। ठीक है, मोल में अणु आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आप पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि KCl के 1 मोल में अणु परमाणु या आयन की संख्या कितनी है, तो 6.022 × 10²³ है। KCl है, CO2 रहे, कुछ भी है, सब में 1 मोल का मान कितना होता है, 6.022 × 10²³ होता है। तो 1 मोल का मान हम जानते हैं कि KCl के 1 मोल का मान क्या होता है, 1 मोल बराबर क्या होता है, 6.022 × 10²³ अणु परमाणु या आयन होता है। ठीक है, अणु परमाणु या आपका आयन होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, ये शुरू में भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे, KCl रहे, CO2 रहे, HCl रहे, सब में 1 मोल का मान कितना होता है, 6.022 × 10²³ अणु परमाणु या आयन होता है। तो आपसे यहाँ पर कितना मोल पूछा जा रहा है, 0.5 मोल पूछा जा रहा है, तो 0.5 से इसको गुना कर दीजिए, सिंपल सा है, 0.5 × 6.022 × 10²³। जब आप 0.5 से इसको गुना करेंगे तो ये सीधा आधा हो जाएगा, यानी 3.01 × 10²³ आपका राइट आंसर होगा, जो कि 3.01 × 10²³ जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है
राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि आप सभी लोग जानते हैं कि KCl के एक मोल हो, चाहे CO2 के एक मोल हो, चाहे HCl का एक मोल हो, चाहे H2SO4 का एक मोल हो, इन सभी में एक मोल का मान क्या होता है 6.022 × 10²³ अणु परमाणु या आयन होता है। जितना मोल आपसे यहाँ पर 5 मोल कहेगा तो 5 से गुना कर देंगे, 10 मोल कहेगा 10 से गुना कर देंगे, जितना कहेगा उतना से आप गुना कर देंगे। इसका सूत्र होता है यही कि अवोगाड्रो संख्या गुने मोल की संख्या, तो आप सीधा इसको गुना कर देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है और ये मोल कंसेप्ट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, सामने दिख रहा है आपको, कह रहा है कि SO2 के 0.6 अणु में सल्फर का बताइए अणु की संख्या ना, SO2 के 0.6 अणु में, ठीक है, कितना में है 0.6 अणु में कह रहा है। अभी बताया आपका, आपको अभी बताया कि SO2 के एक मोल का मान क्या होता है, एक मोल का मान क्या होगा 6.022 × 10²³ होगा। SO2 के एक मोल का मान क्या होगा 6.022 × 10²। किसी का भी एक मोल कहे कितना 6.022 × 10²। जिसका भी कहे सबका मान सेम ही होता है, एक मोल का मान, किसी का भी एक मोल, हमारा भी एक मोल, आपका भी एक मोल, सबका मान क्या यही होगा 6.022 × 10²। तो 0.6 अणु का कह रहा है, तो 0.6 × 6.022 × 10²³ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको गुना करिए आप लोग, तब तक हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा, कैलकुलेटर किधर गया आपका, 0.6 × 6.022 है ना, आपका आ रहा है 3.613 × 10²। देखिए ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर 3.613 जो है आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में और डी में, दोनों में दिख रहा है देखिए। लेकिन यहाँ पर एक में जो है, ए में है 10²² और डी में है आपका 10²23, तो देख करके लगाइएगा, डी वाला आंसर होगा 10²23 वाला। गलती से आप धरफड़ धरफड़ में क्या होता है कि एग्जाम में थोड़ा सा मतलब रहता है धरफड़ ही, आपने देखा कि इतना आ रहा है, बस मार दिया ए वाला आंसर, लेकिन वो गलत हो जाएगा और एग्जामिनर भी सोच करके ऐसा आंसर जो है पहले ऑप्शन में रखता है ताकि स्टूडेंट गलती करे। तो इसको गलती नहीं करना है, एकदम ध्यान से देख करके और तब जा करके आपको ये आंसर करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका मोल कंसेप्ट का पूरा निचोड़, हमने बता दिया है आपको, और फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और पर्सनली हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और यदि कोई मिस्टेक या फिर गलती हमसे हो जाती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके जैसे हम भी एक विद्यार्थी हैं, हम कोई टीचर नहीं है, आप हमें कभी टीचर मत समझिए, हम आपके विद्यार्थी हैं, हम आपके भाई हैं, जो भी हमारे भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं वो अच्छा है कि जुड़े रहिए, और कोई भी मिस्टेक वगैरह होता है तो आप बताइए, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक कोशिश ही आपको कामयाब बना सकती है। इसी के साथ आप सभी से मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।